और बात करेंगे धनबाद की, तो मंगलवार को बीजेपी नेता शशिकांत पांडे की सड़क दुर्घटना में मौत के बाद शव का पोस्टमार्टम भी नहीं हुआ था कि देर रात धनबाद के पूर्व टुंडी थाना क्षेत्र के जाने माने आरएसएस कार्यकर्ता और ग्राम रक्षा दल के सदस्य दुमा गांव निवासी शंकर दा की अज्ञात अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। घटना देर रात 11 बजे की है। बतौर ग्राम रक्षा दल के सदस्य के रूप में वो रात को शहरपुरा जा रहे थे। रास्ते में दुमा कब्रिस्तान के पास अज्ञात अपराधियों ने गोली मार दी। शंकर दा पिछले 3 दशक से इस संघ से जुड़े हुए थे। वे धनबाद जिला वनवासी कल्याण केंद्र के जिला कार्य प्रमुख थे। वारदात के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। पुलिस मामले को लेकर जांच में जुट गई है। वहीं पूर्व सांसद रविंद्र पांडे, संघ के पुराने कार्यकर्ता मोतीलाल मुर्मू ने घटना की निंदा करते हुए हत्यारों की अविलंब गिरफ्तारी की मांग की है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि ग्राम रक्षा दल के तौर पर सक्रिय थे और देर रात 11 बजे वो शहरपुरा की ओर जा रहे थे। इसी बीच बताया जा रहा है कि अज्ञात अपराधियों ने उनकी हत्या कर दी है। पुलिस मामले को लेकर जांच कर रही है। वहीं बीजेपी कार्यकर्ताओं में और आरएसएस के कार्यकर्ताओं में उनकी हत्या को लेकर काफी आक्रोश है। बताया जा रहा है कि लगभग 30 साल से वो सक्रिय थे और उनके हत्यारों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की गई है। कल रात को घटना हुआ है, लेकिन हम लोग को सुबह पता चला। उसके बाद हम लोग गए तो देखे 6-7 राउंड गोली चला है और हत्या किया गया है। और सामने से गोली चला है, कितना गोली लगा? उसको 6 गोली लगा है। अब लोग देखें 6 गोली लगा। हाँ, 6 गोली लगा। किसके द्वारा मारा गया, कुछ पता चला? अभी तो कोई पता नहीं चल रहा है, लेकिन हम लोग देखिए जांच में जुटा हुआ है। पुलिस आई थी। हाँ, पुलिस आई थी। क्या बोल रही है पुलिस? जांच कर रही है और हम लोग भी मांग कर रहे हैं कि कम से कम हत्यारा को जल्द से जल्द पकड़ा जाए। नहीं तो किसी का दुश्मनी वगैरह? दुश्मनी सर देखिए कुछ दुश्मनी नहीं है। ग्राम रक्षा दल के थे, पुलिस सहयोगी थे, उसके विरोध में कई कुछ होगा कि गांव के भी कुछ लोग हैं कि साइबर करते हैं तो सोचता है कि यही लोग पकड़ाया है, लेकिन हम सोच रहे हैं कि वही लोग का अगर षड्यंत्र होगा कि लोगों गोली से कोई बाहर से मंगाए हैं, शूटर से मरवाया। राजकुमार, जो घटना हुई है आरएसएस कार्यकर्ता की हत्या, उसे लेकर क्या कुछ अपडेट जानकारी सामने आ रहे हैं? जी बता दें कि यह जो घटना है सुबह लोगों को पता चली, देर रात की घटना है और 6 गोली मारी गई है आरएसएस कार्यकर्ता शंकर दा को, और उसके बाद घटनास्थल पर उनकी मौत हो गई। सुबह में जब उनका शव लोगों को दिखाई दिया तब जाकर पूरे चारों जो है वो हंगामा मचा, परिवार के लोग पहुंचे और थाने में लगभग 200 से अधिक लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई। आसपास के तमाम जो भाजपा और संघ से जुड़े हुए कार्यकर्ता थे उनका भी आना जाना शुरू हो गया। पूरे मामले में फिलहाल पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में लिया है और डीएसपी अरविंद सिंह फिलहाल घटनास्थल पर पहुंचे हुए हैं और वो पूछताछ कर रहे हैं। जो छापेमारी की प्रक्रिया है वो भी चल रही है। बहुत जल्द पुलिस पूरे मामले से पर्दा उठा देगी, ऐसा पुलिस का दावा है, लेकिन पुलिस ने अब तक कैमरे में कुछ भी नहीं कहा है। ये पुलिस से जो टेलीफोनिक बातें हुई है उस पर मैं बता रहा हूँ। साथ ही बता दें कि जो परिवार के लोग हैं उनमें काफी नाराजगी है। जो ग्राम रक्षा दल के सदस्य जो हैं, जो वहां पर गाड़ियों की आवाजाही पर नजर रखते हैं, नक्सली गतिविधियों की जानकारी पुलिस को देते हैं, उनकी भी जो है वह नाराजगी देखने को मिल रही है। चूंकि नक्सल प्रभावित क्षेत्र रहा है पूर्व से, वह तो वहां पर ग्राम रक्षा दल का गठन किया गया था और वहां पर ग्राम रक्षा दल के सदस्य के रूप में ये पुलिस को सहयोग करने का काम करते थे। कुछ परिवार के कुछ लोगों ने साइबर अपराधियों पर भी इसको लेकर आशंका जताई है कि हो सकता है कि साइबर अपराधियों ने इनकी हत्या में अपनी भूमिका निभाई हो, चूंकि वह जो क्षेत्र है चरक खुर्द हो या फिर अन्य जो इलाके हैं लगातार जामतारा से भी सटा हुआ है, तो पूरा जो क्षेत्र है वो साइबर अपराधियों का गढ़ है और उनके कार्यों में दखलअंदाजी कई दफा जो ग्राम रक्षा दल के सदस्य हैं उनके वजह से कई अपराधी पकड़े भी जाते हैं, तो हो सकता है कि उनकी भी इस मामले में कहीं ना कहीं संलिप्तता हो सकती है। तो पूरे मामले में जब पुलिस गिरफ्तार करेगी किसी व्यक्ति को और उसकी जब आप जो आधिकारिक पुष्टि होगी वह हो जाएगी, तब जाकर पूरे मामले से पर्दा उठ पाएगा और हत्याकांड में शामिल लोग जब पकड़ा जाएंगे तब जाकर क्लियर हो पाएगा कि पूरे घटना के पीछे वजह क्या थी। जी बिल्कुल राजकुमार, ऐसा लगता है कि काफी जघन्य तरीके से हत्या की गई है क्योंकि 6 गोलियां मारी गई है। देखिए यह जो घटना है इसको लेकर सबसे बड़ी बात तो है कि चूंकि एक संघ से जुड़े हुए कार्यकर्ता की अगर इस तरह से मौत होती है या उसकी हत्या होती है, गोली मार दी जाती है, तो कहीं ना कहीं इस तरह की घटनाओं में
पूरे मामले को लेकर के राजनीति शुरू हो जाती है। बाबूलाल मरांडी का थोड़ी देर पहले ट्वीट आया और उन्होंने पूरे मामले में सरकार को जिम्मेवार ठहराया है और उचित कार्रवाई की मांग की है। और लगातार जो भाजपा के अब जो वरीय नेता हैं वो धीरे धीरे अब इस मामले को लेकर ट्वीट करने लगे हैं और प्रखर हो रहे हैं। संभव है कि यह एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बने। अगर इसमें इस हत्याकांड में अगर कोई बड़ी साजिश होती है तो यह एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा झारखंड के लिए बन सकता है। जी चलिए राजकुमार, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। झूमेंगे घूमेंगे गाएंगे हम, वाइल्ड वाली वाटर पार्क जाएंगे हम। झूमेंगे घूमेंगे गाएंगे हम, वाइल्ड वाली वाटर पार्क जाएंगे हम। वाटर पार्क में फुल ऑन फन करेंगे, फैमिली संग वाइल्ड वादी चलेंगे। वाइल्ड वादी एंड अम्यूजमेंट वाटर पार्क एक नए अवतार में, तो तैयार हो जाइए वाइल्ड वादी में अनलिमिटेड मस्ती के लिए। यहाँ लॉकर और कॉस्ट्यूम का कोई चार्ज नहीं, साथ ही 33 फीट की हाइट से मल्टी लेन और बर्ड पार्क का भी ले फुल मजा। वाइल्ड वादी अम्यूजमेंट वाटर पार्क हजाम रांची।